हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स जानियर शास्त्र में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉल एम स्वीजी के किंग डिमांड कर्व के बारे में। इसे हिंदी में विकुंचित मांग वक्र भी कहते हैं। पर इससे पहले कि हम किंग डिमांड कर्व पर चर्चा करें, मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि मैंने ओलिगोपोली मार्केट क्या है, उसकी विशेषताएँ क्या क्या हैं, उस पर पहले ही चर्चा कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं अल्पाधिकार बाजार का किंग डिमांड कर्व या विकुंचित मांग वक्र मॉडल क्या है। देखिए, एक अल्पाधिकार बाजार में प्राइस रिजिडिटी या कीमत स्थिरता पाई जाती है, यानी कीमतें प्रायः स्थिर ही रहती हैं और इसमें परिवर्तन बहुत कम देखने को मिलता है। पॉल एम स्वीजी का किंग डिमांड कर्व मॉडल इसी कीमत स्थिरता की व्याख्या करता है। पॉल एम स्वीजी ने अगस्त 1939 में जनरल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में एक पेपर पब्लिश कराया, जिसका शीर्षक था डिमांड अंडर कंडीशन ऑफ ओलिगोपोली, जिसमें उन्होंने किंग्ड डिमांड कर्व परिकल्पना का प्रयोग करके एक ओलिगोपोली मार्केट यानी अल्पाधिकार बाजार में कीमत और उत्पादन मात्रा के निर्धारण की व्याख्या प्रस्तुत की। पॉल एम स्वीजी की ही तरह क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट हॉल और चार्लिस हिच ने भी अपने लेख थ्योरी एंड बिजनेस बिहेवियर में स्वीजी के ही सेम आइडिया का समर्थन किया, पर ज्यादा इंपिरिकल टेस्टिंग यानी प्रायोगिक जांच और आंकड़ों के साथ। किंग डिमांड मॉडल के अनुसार एक अल्पाधिकार बाजार में डुअल डिमांड कर्व यानी दोहरा मांग वक्र पाया जाता है, जिसकी लोचशीलता में अंतर होता है। चलिए इसे एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ ओ वाई एक्सिस में कीमत को दिखलाया गया है, जबकि ओ एक्स एक्सिस में उत्पादन मात्रा को दिखलाया गया है। डायग्राम में डी डी डैश एक डिमांड कर्व है जो कि के बिंदु पर मुड़ा हुआ है। यह मुड़ा हुआ डिमांड कर्व हमें यह बतलाता है कि कीमत के मांग स्तर पर स्थिर है। यहाँ कीमत ओपी और मांग मात्रा ओ एम निर्धारित होती है। इस किंग डिमांड कर्व डी डी डैश में डी के भाग एक अलग मांग की लोच को दिखलाता है, जबकि के डी डैश भाग एक अलग मांग की लोच को दिखलाता है। आप देख सकते हैं कि डी डी डैश मांग वक्र में ऊपर का भाग डी के ज्यादा लोचदार मांग को बतला रहा है, कंपैरेटिवली यह ज्यादा इलास्टिक डिमांड कर्व है, जबकि नीचे का भाग के डी डैश कम लोचदार मांग वाला हिस्सा है, यानी कंपैरेटिवली यह लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बतला रहा है। पॉल एम स्वीजी के अनुसार अल्पाधिकार बाजार या द्विअधिकार बाजार में इस तरह का मुड़ा हुआ मांग वक्र देखने को मिलता है, जहां कीमतें एक निश्चित बिंदु पर हमेशा स्थिर रहती हैं और इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक अल्पाधिकारी यह विश्वास करता है कि यदि वह अपनी कीमत के वर्तमान स्तर में वृद्धि करेगा तो प्रतिद्वंदी या राइवल फर्म अपनी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तब अल्पाधिकारी द्वारा कीमत में वृद्धि करने पर उसके द्वारा की जाने वाली कुल बिक्री में कमी आ जाएगी। ठीक इसके उलट, अगर एक अल्पाधिकारी अपने उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करने के उद्देश्य से कीमतों में कमी करता है तो प्रतिद्वंदी फर्म भी अपने ग्राहकों को खोने के डर से कीमत में कमी कर देते हैं। ऐसे में कीमत घटाकर बिक्री में वृद्धि करने का तरीका भी विफल हो जाता है। इसलिए एक अल्पाधिकार या द्विअधिकार बाजार में कीमतों में कोई भी विक्रेता छेड़छाड़ नहीं करता है और कीमतें प्रायः स्थिर ही रहती हैं। एक अल्पाधिकार बाजार में मुड़े हुए मांग वक्र के अलग अलग लोच के होने का यही मतलब है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है कि पॉल एम स्वीजी अपने किंग डिमांड मॉडल में या नहीं बतलाते हैं कि अल्पाधिकार बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। वो यह मान करके कि कीमतें पहले से निर्धारित हो चुकी हैं, इस बात का अध्ययन करते हैं कि कीमत स्थिर या अपरिवर्तित क्यों रहती है। चलिए एक दूसरे डायग्राम की मदद से एक अल्पाधिकारी के संतुलन और किंग डिमांड कर्व के बीच संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि ओ वाई अक्ष में कीमत को और ओ एक्स अक्ष में उत्पादन मात्रा को दिखलाया गया है। यहाँ मांग वक्र डी डी डैश है जो के बिंदु पर बाहर की ओर मुड़ा हुआ है।
यहाँ ब्लू डॉटेड लाइन अल्पाधिकारी की MR यानी सीमांत आय रेखा है। आप देख सकते हैं कि सीमांत आय रेखा कंटिन्यूअस एक सीधी रेखा नहीं है, यह जी से एच बिंदु तक बीच से टूट जाती है। MR वक्र का जी से एच बिंदु तक टूट जाना हमें यह बतलाता है कि MC सीमांत लागत रेखा जी से एच बिंदु के बीच कहीं पर भी हो तो कीमत और उत्पादन मात्रा स्थिर रहेगी। मान लीजिए MC वक्र MR रेखा को I बिंदु पर काटती है, तो हम जानते हैं कि संतुलन वहीं पर होता है जहां MR=MC हो और MC रेखा MR को नीचे से काटे, यानी यहां संतुलन I बिंदु पर होगा तथा कीमत OP निर्धारित होगी जबकि उत्पादन मात्रा OM होगा। अगर MC रेखा में परिवर्तन हो जाए और वह पहले से नीचे की ओर सरक जाए पर टूटे हुए MR रेखा के बीच में ही कहीं पर स्थित हो, यानी G से H बिंदु के बीच में कहीं पर स्थित हो, तो कीमत और उत्पादन का स्तर पहले जितना ही रहेगा। यानी हम यह कह सकते हैं कि अगर MC रेखा का मूवमेंट इस G से H बिंदु के बीच कहीं पर भी होगा, तब संतुलन कीमत और उत्पादन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जानने लायक एक बात यहां पर यह है कि MR रेखा के इस टूटे हुए भाग GH की लंबाई मांग वक्र की लोच के बीच अंतर पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि DD' मांग वक्र में DK भाग के मांग की लोच KD' भाग के मांग की लोच के बीच जितना अधिक अंतर होगा, MR रेखा के टूटे हुए हिस्से G और H के बीच की दूरी भी उतनी ही अधिक होगी। और ठीक इसके उलट भी होगा कि DK और KD' के बीच मांग की लोच में अंतर जितना कम होगा, G और H के बीच की दूरी भी उतनी ही कम होगी। दोस्तों, मेरे ख्याल से हमने अल्पाधिकार बाजार में कीमत स्थिरता या कीमत दृढ़ता या प्राइस रिजिडिटी के क्या कारण है उसे समझ लिया है। अब सवाल किया जा सकता है कि क्या अल्पाधिकार बाजार में कीमतें सदा के लिए स्थिर बनी रहती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जब कीमतों में परिवर्तन हो, जैसे कि उत्पादन लागत में वृद्धि का होना। जब एक अल्पाधिकारी यह महसूस करता है कि लागतों के बढ़ने की वजह से उसके कुल लाभ में कमी आ रही है, तो वह कीमतों में वृद्धि करता है। प्रतिद्वंदी फर्म भी लागतों में वृद्धि की वजह से अपने कुल लाभ में कमी को महसूस करता है और कीमतों में वृद्धि करता है। लागतों के बढ़ने की दशा में कीमतों में वृद्धि करना एक अल्पाधिकारी की मजबूरी बन जाती है। तब किसी भी तरह का कोई कीमत युद्ध देखने को नहीं मिलता है। पर ठीक इसके उलट, अगर उत्पादन लागतों में कमी आती है तो कोई भी अल्पाधिकारी अपने उत्पाद की कीमत को कम नहीं करना चाहता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसे एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। जब लागतें घटती हैं तो किंग डिमांड कर्व में KD' यानी नीचे का हिस्सा ज्यादा बेलोसदार हो जाते हैं, और जब एक अल्पाधिकारी अपने लाभ को बढ़ाने के लिए कीमत कम करता है तो वह अपने कुल मांग में बहुत अधिक वृद्धि नहीं कर पाता है। और प्रतिद्वंदी फर्म भी इसी बात को समझते हुए कीमतों को स्थिर ही रखते हैं। एक दूसरी स्थिति तब उत्पन्न हो सकती है जब बाजार मांग में वृद्धि हो जाए। इस स्थिति में कीमत स्थिरता खत्म हो जाती है, तब अल्पाधिकार बाजार में भी कीमतों में वृद्धि स्वाभाविक रूप से दिखाई पड़ती है। पर इसके उलट, जब मांग में कमी आती है तो कीमतें प्रायः स्थिर ही बनी रहती हैं। सभी उत्पादकों को यह भय रहता है कि अगर कीमतों में कमी की जाएगी तो कहीं कीमत युद्ध शुरू ना हो जाए। कीमत युद्ध का मतलब है कि एक ने कीमत कम किया तो दूसरे ने भी कीमत कम कर दिया, और दूसरे को कीमत कम करते देख पहले विक्रेता ने और थोड़ा कीमत कम कर दिया, और इसी तरह से एक युद्ध शुरू हो जाता है जो आखिर में फर्मों का विनाश ही करती है। इसी संदर्भ में प्रोफेसर M.M. बोबर कहते हैं कि विकुंचित मांग वक्र विश्लेषण इस संभावना को बतलाता है कि जब कीमत कम होने की आवश्यकता होती है तो अल्पाधिकार में कीमत स्थिर रहती है, और जब कीमतों में वृद्धि प्रत्याशित है तो कीमतें परिवर्तनशील होती हैं। जब मांग अथवा लागतों में कमी होती है तो कीमतों को कम करने के बारे में शायद ही कोई सोचता है,
परंतु मांग में वृद्धि अथवा बढ़ती लागत के प्रतिक्रिया स्वरूप कीमत में वृद्धि हो सकती है। तो यही था पॉल एम स्वीजी का किंग डिमांड कर्व। प्रोफेसर हॉल एंड हिच का विश्लेषण भी स्वीजी के किंग डिमांड कर्व की ही तरह कीमतों को स्थिर मानता है, पर हॉल एंड हिच एक नई बात इसमें यह जोड़ते हैं कि एक अल्पाधिकारी का संतुलन वहां पर होता है जहां मांग वक्र का विकुंचन औसत लागत के बराबर होता है, यानी औसत लागत एसी डिमांड कर्व के बिंदु को स्पर्श करती है। अगर हम हॉल एंड हिच के इस विचार को स्वीकार करें तो इसका मतलब होगा कि अल्पाधिकारी हमेशा केवल सामान्य लाभ की ही प्राप्ति करता है। अब सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, उस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बतलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।